नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद रे साथे सूबे आपरो इस्तीफो राष्ट्रपति स्वीकार करयो इस्तीफो प्रधानमंत्री सु नुआ सरकार रा गठन ताई पद माथे बण्या रे बारो करया अनुरोध। लोकसभा चुनाव रा नतीजा आया पछे आज दिल्ली में आए वेरी है एनडीए री बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा रा वरिष्ठ नेता समेत एनडीए घटक दलारा प्रतिनिधि वैरिया है शामिल। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके माते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करया पौधारोपण। एक पेड़ माँ के नाम अभियान री की ना शुरुआत। विश्व पर्यावरण दिवस माथे जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रो व्यू आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया पर्यावरण संरक्षण मां की सामूहिक जिम्मेदारी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत रो मुकाबलो आयरलैंड से। भारत टूर्नामेंट में करनो चावे विजय रो आगाज। नमस्कार, आप देख रिया हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे रे राजस्थानी खबरां माए आपरो स्वागत है सा। और अब खबरां देखा हां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपरो इस्तीफो सूप दिनो है। प्रधानमंत्री कैबिनेट री बैठक रे पछे राष्ट्रपति सु मिलवा राष्ट्रपति भवन पुग्या, जठे वे केंद्रीय मंत्री परिषद रे साथे आपरो इस्तीफो सूप दिना। राष्ट्रपति वारो इस्तीफो स्वीकार कर लेना और उनसु और केंद्रीय मंत्री परिषद सु नुवी सरकार बनबा ताई पद माथे बण्या रे बारो अनुरोध कर्या। दूजी काने मान्यो जा रियो है कि एनडीए सरकार रो गठन और प्रधानमंत्री रो शपथ ग्रहण समारोह 8 जून ने हो बारी संभावना है। लोकसभा चुनाव रा नतीजा आबारे पछे आज दिल्ली में एनडीए री बैठक वैरी है। बैठक में प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत तमाम भाजपा रा नेता और एनडीए घटक दलारा प्रतिनिधि शामिल भैरिया है। बैठक में जेडीयू रा नीतीश कुमार और टीडीपी रा चंद्रबाबू नायडू भी शामिल है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस रा जीत्या प्रत्याशी आज जयपुर स्थापित कांग्रेस वोर रूम में पुग्या, जठे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सगला जीत्या व्या प्रत्याशा सो स्वागत किना। इन दौरान भरतपुर सु सांसद संजना जाटव, सीकर सु निर्वाचित व्या कामरेड अमराराम, हरीश मीणा समेत कई लोग मौजूद रिया। पार्टी कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया हमारी नीतियों में और हमारे नेतृत्व का, सबका इन्होंने एकजुट होकर लड़ा और मैं मानता हूँ कि लोगों को एक राहत की सांस ली है। टोंक सवाईमाधोपुर तो जो वहाँ जो सांसद थे 10 साल से बीजेपी के, शायद कहीं ना कहीं उनमें अहंकार आ गया था, जनता से थोड़ा ज़्यादा अपने को समझते थे और उनकी गलती नहीं थी, वो राजस्थान के थे नहीं, वो राजस्थान की रीति नीति जानते नहीं थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। राजस्थान के लोगों की शराफत को राजस्थान के लोगों की कमजोरी समझ बैठे, हम शरीफ हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं और जब समय आया लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं उनको वापस भेजा जाए, इसकी जीत है। बिल्कुल, जनता का जो अभूतपूर्व समर्थन मिला है निश्चित रूप से उसे सड़क से लेकर संसद तक खरा उतरने का काम करेंगे। जो कुशासन था उसके खिलाफ जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, इसके लिए तमाम सीकर लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं बधाई दूंगा और इस बात के लिए विश्वास दिलाऊंगा कि जिस विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौधारोपण करया। प्रधानमंत्री इन मौका माथे एक पेड़ मारे नाम अभियान री शुरुआत करया। इन मौका माथे केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रिया। वे कया के अभियान रे तहत हर नागरिक ने जोड़ो जावेलो। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्धा गार्डन में पेड़ का वृक्षारोपण किया।
पर यह मात्र एक पेड़ का वृक्षारोपण नहीं है, आज से उन्होंने एक बहुत बड़े हरित आंदोलन की भागीदारी की नींव रखी है, एक तरीके से उसका बीजारोपण किया है। ये जो कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम, हम धरती को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन हम सभी से ये आग्रह करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि अपनी माँ के नाम पर या माँ को साथ खड़ा करके, अगर माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है तो उनको खड़ा करके उनके साथ ये पेड़ लगाना है। विश्व पर्यावरण दिवस माथे जयपुर राज हालाना स्थापित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखो गयो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग लेना इन मौका माथे वे कया के आज रो दिन पर्यावरण संरक्षण खातर सगड़ा ने प्रेरित करे है। मुख्यमंत्री कया के पर्यावरण संरक्षण मां की सामूहिक जिम्मेदारी है, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संतुलन बनाया रखवारो संदेश दियो गयो है। इस पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक समाधान का वैश्विक आह्वान किया था, इस आह्वान के अनुरूप भारत ने 2022 में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ एक वैश्विक जन आंदोलन बन गया है। पर्यावरण बचाने के लिए जो वैश्विक पहल की जा रही है उसमें केंद्र और राज्य सरकार अपना भरपूर योगदान दे रही है। यूएन की सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में फ्यूल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब केंद्र में हमारी सरकार इसे 2025-26 में ही हासिल करने जा रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर बरस 5 जून ने पर्यावरण संरक्षण खातर जन जागरूकता ल्याबा और अपरे आरे सारे वातावरण ने साफ राखबा खातर जागरूक करबारा उद्देश्य सु यो दिन मनायो जावे है। हमारी पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्य, पशु पक्षी और पौधे निवास करते हैं, इसके ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा की। केवल एक पृथ्वी के नारे के साथ पहला उत्सव 5 जून 1973 को मनाया गया। आज हम देख रहे हैं कि ओजोन परत की कमी, जहरीले रसायनों, मरुस्थलीकरण और ग्लोबल वार्मिंग समेत कई कारणों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक कर उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रयास करना है। पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए यह दिवस एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इस दिन को आयोजित करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरण मुद्दों को देखना है। इस साल की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता रखी गई है। इस थीम का उद्देश्य भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसका नारा होगा हमारी भूमि हमारा भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। इन कड़ी में नगर निगम हेरिटेज कानीसू कनक घाटी सू नहरगढ़ किला तई विशेष सफाई अभियान चलायो गयो। इन दौरान नगर निगम रा अधिकारी, कर्मचारियां और विभिन्न सामाजिक संगठन रा लोग श्रमदान करया। जयपुर रा एक निजी कॉलेज में विज्ञान भारती रा तत्वाधान में पर्यावरण दिवस माथे संगोष्ठी रो आयोजन करयो गयो, जिन में पर्यावरण संरक्षण माथे चर्चा करेगी। कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रा सचिव वी सरवण कुमार और पर्यावरणविद मेघेंद्र शर्मा समेत छात्र छात्राओं मौजूद रिया।
इन दौरान पर्यावरणविद मेघेंद्र शर्मा कया कि कार्यक्रम रो उद्देश्य युवा पीढ़ी माए पर्यावरण ने संरक्षित करबा खातर जागरूकता ल्याणो है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान में विज्ञान भारती करीब 27 गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों के माध्यम से 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रख रही है। जैसा आप जानते हैं कि जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसका एक ही विकल्प है वृक्ष लगाना। वृक्ष है तो पानी है, पानी है तो वृक्ष है। तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि सोसाइटल प्रॉब्लम साइंटिफिक सॉल्यूशन, और इस साइंटिफिक सॉल्यूशन के कारण हम लोग एक वर्कशॉप का आगाज किया है जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों के कार्मिकों को बुलाया है। तो हमारा ये प्लान है कि 11 वृक्ष हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो मेडिसिनल भी हैं और एथनिक वैल्यूज भी रखते हैं। तो हमने वृक्षों को आस्था से जोड़ने का काम किया है। जैसे वन विभाग की तरफ से पौधा खरीद करके हम इनका कार्यक्रम में जो 1 करोड़ पौधे का जो लक्ष्य जो अटेन करना है, तो उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से इनको सहयोग करने का हमने वादा किया है। जमीन के खराब होने को लेकर उसको ठीक कैसे किया जाए और रेगिस्तान को कैसे रोका जाए, ये इस साल का विषय रखा गया है। और ये राजस्थान के लिए बहुत अनुकूल है ये विषय, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है। अब हमारा अभियान ये होगा कि इस मरुस्थल को कैसे रोकें और इस प्रदेश को हरा भरा कैसे बनाएं। इसीलिए आज के दिन से ही 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लेकर के उसकी इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जयपुर स्थित जोबनेरा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय में पर्यावरण दिवस रे मौके रैली काढ़ी गई और पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित करयो गयो। विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह हरी झंडी दिखा रैली ना रवाना करया। इन दौरान वणा कया कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य युवाओं ने पौधारोपण करवा खातर जागरूक करनो है। विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। जयपुर स्थापित अरण्य भवन में पर्यावरण दिवस मनायो जा रियो है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक केसी मीणा बताया कि इन बार पर्यावरण दिवस री थीम भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता राखी गई है। वे बारिश माए 32 पौधारोपण कर बारी अपील करया। किसी भी योजना से किसी भी स्कीम से जनमानस का जुड़ाव नहीं होगा, लोग उसको अपना प्रोग्राम अपनी स्कीम या अपने लिए नहीं समझेंगे, जब तक उसका सफल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पर्यावरण तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये देखना चाहिए हम जिस उम्र के हैं कि हमारे आज से 20-30 साल पहले क्या स्थिति थी, और ये 20-30 साल में ही हमारे विकास की जो गति है उसके आधार पर हमारे आज पर्यावरण की क्या स्थिति हो गई है। तो आगे आने वाले 20-30 साल का हम सोच के चलते हैं तो एक भयावह परिदृश्य हमें नज़र आता है। तो उन सबको देखते हुए हमें सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे अभी पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए। बच्चों से लेके और बड़ों तक सब में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत होना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति बन रही है जिसमें हम 4-5 चीज़ें देख रहे हैं, जैसे एक तो ये है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव चल रही हैं और उसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसी तरीके से अटलांटिक के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दुनिया के सभी जगहों में जो ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं हो रही हैं उनकी वजह से जहां एक ओर बाढ़ आ रही है वहां दूसरी ओर गर्मी बढ़ रही है। पेड़ काटना बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना शुरू करें। यही ये जो 5 जून का पर्यावरण दिवस है इसके लिए सबसे बड़ा संदेश अपना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस माथे बूंदीरा खेल संकुल में कार्यक्रम आयोजित कराया गया। वन महकमा रामगढ़ अभ्यारण रा साझा तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में पौधारोपण साइकिल रैली और पक्षियां खातर परिंडा लगा बारे साथ ही जूट रा बैग बांटा गया। इन दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा युवाओं सु 32 पौधारोपण करबा और पक्षियां खातर परिंडा लगा बारो आह्वान करया। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक मैसेज देने के लिए कि जो अभी अपने हाल ही में गर्मी में इस समय सभी ने रियलाइज किया कि गर्मी इतनी है और वृक्षों से ही हमें जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उससे एक राहत मिल सकती है। ये ज़रूरी है कि सभी एक वृक्ष लगाएं, और एक ये भी शपथ यहाँ ली गई है कि सभी एक वृक्ष लगाएंगे और उसका जब तक वो पूरा बड़ा ना हो जाए तब तक उसका रखरखाव भी करेंगे।
जो टेम्परेचर बढ़ा है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण पर्यावरण में क्षति होना है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस दिवस पे एक संकल्प लें कि हर आदमी एक पेड़ लगाए, उसका पालन पोषण करे, उसको बड़ा करे, और ये जो समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई है जिसके बहुत भयंकर परिणाम आने वाले हैं और वर्तमान में हम इनको इसका सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस बार टेम्परेचर बहुत सारी जगह 50 डिग्री से ऊपर भी चला गया और उसका मुख्य कारण पेड़ों की संख्या में कमी, जंगलों के घनत्व में कमी। तो हम प्रयास करेंगे कि सबको जागरूक करके सबसे पेड़ लगवाएं और इस धरती पे हरियाली का आच्छादन करें। भारत सरकार द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं कि बढ़ते तापमान को, डेजर्टिफिकेशन को इनको रोकने के लिए वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियाँ उनका रोपण किया जाए, साथ ही फाइकस स्पीसीज की जैसे बरगद है, पीपल है, इनका रोपण किया जाए और वृक्षारोपण के साथ साथ परिंडे बांधे गए हैं। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर हमें ये जूट के बैग दिए गए हैं, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे और इसी के साथ इनका यह संदेश मिलता है हमें कि हमें पॉलीथीन का यूज नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही हमें पक्षियों का भी संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यह भी नेचर का बहुत बड़ा पार्ट है। झुंझुनू में भी विश्व पर्यावरण दिवस रे मौका माथे जिला प्रशासन, वन महकमा और स्काउट गाइड रा साझा तत्वाधान में रैली काढ़ेगी। शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल परिसर से शुरू हुई रैली शहर रा खास मार्गा से बहती हुई नेहरू पार्क माथे पूगी। इन दौरान शहर ने हरियो भरियो राखबा और आप रे आस पास सफाई रो संदेश दियो गयो। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इस विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। जागरूकता रैली निकालने के बाद में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी पीआरओपी से रखा गया है। उसके बाद में हम निमंत्रण प्रतियोगिता, बच्चों की निमंत्रण प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रम भी जो जागरूकता से संबंधित है, कठपुतली नृत्य वगैरह सब, ये पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए ये हम आज मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का इस साल की थीम है लैंड रेस्टोरेशन, ड्रोट एंड डेजर्टिफिकेशन रेजिलियंस। तो इसके उपलक्ष्य में हम लैंड को बचाने और ड्रोट आकार और डेजर्टिफिकेशन जो रेगिस्तान का मरुस्थल का विस्तार है उसको रोकने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के जन जागरूकता फैलाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आज जयपुर स्थापित पायलट भवन में 11,000 पेड़ लगाबा और परिंडा बांध बारा संकलन अभियान रा पोस्टर रो विमोचन करयो गयो। ओ अभियान दोसा जिला सु अध्यापिका और गुजर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद री शिक्षा ज्योति री सह संयोजक बलेश पटेल पोसवाल ने अभियान री शुरुआत की नी। इन मौका माते कई लोग मौजूद रिया। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके अवसर पर गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की जो काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता है बलेश कोसवाल, उनके द्वारा 11,000 पौधे लगाने और पक्षियों के लिए परिंडे लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है, जो एक बहुत ही, चूँकि पर्यावरण के जो पूरे विश्व को चिंता हो रही है कि भाई पर्यावरण डे टू डे बिगड़ता जा रहा है और आम आदमी, पशु पक्षी सभी लोग इससे पीड़ित हैं, एक बहुत ही पुनीत कार्य है। एक आग्रह करना चाहती हूँ कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी बंधुजन एक संकल्प लें कि पर्यावरण को हरा भरा बनाएंगे, बेहतर करेंगे, जितना हो सकता है उतना हम अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करेंगे। और मैंने आज यहाँ पर पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के अंतर्गत 11,000 पौधे लगाने का इस मौसम में मैंने संकल्प लिया है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप सभी मेरे इस कार्यक्रम में भागीदार बने। आप बस मुझे जगह बताते चलें, पौधे मैं उपलब्ध करवाऊंगी आप सभी को। सैनिका अरवारा पिरवारा ने वणारी मानसिक समस्या वाला समाधान खातर टैली मानस री सुविधा मिले ली। इन खातर स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय रे बीच करार भयो है। इन सुविधा सु सैनिक अरवारा परिवारजन विशेषज्ञ रे जरिया सु आपरी समस्या वारो समाधान कर सकेला। टैली मानस की सुविधा ऐसे जवानों को मिलेगी, उनके लिए बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच एक अहम करार हुआ। समझौता के मुताबिक सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में ये टेली मानस का एक
मेल स्थापित किया जाएगा, उससे जरूर संबंधित एक सेल भी स्थापित किया जाएगा जिसमें सैनिक और उनके परिवार अपनी मानसिक समस्याएं बताकर विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। अब ये टेलीमानस जो सेल बना है तब से अब तक 10 लाख कॉल लोगों ने किया है और विशेषज्ञों से मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए सलाह ली है। देश के 51 टेलीमानस, देश भर में 51 टेलीमानस सेल स्थापित किए गए हैं। इस टेलीमानस सेल के प्रारंभ होने से जो आर्म फोर्सेस में हमारे जो कर्मी कार्य कर रहे हैं, जो सोल्जर्स कार्य कर रहे हैं, जो बॉर्डर में कार्य कर रहे हैं, वो और उनके पूरे परिवार, उन्हें भी मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है, उन्हें भी बहुत सारी समस्याएं मानसिक होती हैं, तो उनको ये मदद करेगा ये सेल। और टेलीमानस वैसे की बात करें तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा टेलीमानस सेल स्थापित किया गया है पूरे देश में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बीच में जो ये MOU साइन हुआ है जिसके अंतर्गत AFMC में टेलीमानस सेल सेटअप किया जाएगा जिसके द्वारा हमारे सोल्जर्स, हमारे सेलर्स, हमारे एयरमैन और उनके परिवार 14416 डायल कर उनको डायरेक्टली AFMC में जो टेलीमानस सेल है उसके उसमें डायरेक्ट कर दिया जाएगा और किसी और को बताए बिना, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं परिवार के अंदर ही रहें, आर्म फोर्सेज का जो परिवार है उसके अंदर ही रहें, तो उनकी अपनी जो भी उनकी मानसिक समस्याएं हैं वो उनको बताएंगे और उनको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जयपुर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल री 8वीं आरक्षित वाहिनी आमेर रा जवाना कानिसु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा उपलक्ष्य में योग शिविर राख्यो गयो। इन दौरान बटालियन कमांडर वरिष्ठ कमांडेंट आशीष कुमार री अगुवाई में योग क्रिया कीनी। शिविर में सहायक कमांडेंट RL मीणा अरविंद्र कुमार समेत जवान मौजूद रिया। इन मौका मथे आशीष कुमार बताया कि आज री जीवन शैली में योग रो महत्व स्थान है। योग रे जरिए आपरा शरीर और मन ने स्वस्थ राख्यो जा सके है। ICC क्रिकेट विश्व कप में आज भारत आयरलैंड रे खिलाफ आपरा अभियान री शुरुआत करेला। इन मैच में जीत रे साथे ही भारत टूर्नामेंट में विजय आगाज करनो चावेलो। दूजी कानिसु आयरलैंड री टीम भी छोटा फॉर्मेट में बड़ा उलटफेर खातर जानी जावे है। भारतीय क्रिकेट टीम आज आयरलैंड के खिलाफ अपने T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है। टूर्नामेंट से पहले दोनों टीमों ने केवल एक एक अभ्यास मैच खेला है जिसमें भारत ने बांग्लादेश पर शानदार जीत हासिल की है, वहीं आयरलैंड को श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। आज के मैच में रोहित शर्मा की कोशिश मजबूती से अपने अभियान की शुरुआत करने की होगी। It's for us what is important is what we want to do as a team and do that well, whether it is batting, bowling and fielding. So our focus will be on all these three aspects of the game and not too much into what kind of oppositions we are playing. Of course, you look into their strengths and weaknesses, but not looking at how they play or what is their team composition like and all that stuff. I think our focus will be on what we want to do as a team and focus on all three aspects of the game, like I said. हाल ही में पाकिस्तान को हराने वाली आयरलैंड के पास एक बार फिर अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका होगा। मुख्य कोच की माने तो टीम ने T20 विश्व कप के लिए खुद को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज के मैच में टीम इंडिया को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में एक संतुलन बनाना होगा। आयरलैंड के बल्लेबाजों के सामने बुमराह की धारदार गेंदबाजी एक चुनौती होगी। T20 क्रिकेट की बात करें तो भारत और आयरलैंड की टीम कुल 7 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत को सभी 7 मैचों में जीत हासिल हुई है। ऐसे में टीम इंडिया की नज़र अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ शानदार अंदाज में करने पर होगी। एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु आज सु प्रदेश रा कुछ एक भागा में मेघ गर्जन रे साथे हल्की बिरखा हो बारी संभावना है। इन दौरान खटे खटे अचानक तेज भाड़ चाल भारी
संभावना भी है। मौसम विभाग रे मुजब उत्तर पश्चिम भागा माए आबावाड़ा 48 घंटा रे दौरान अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रे बीच दर्ज होबारी संभावना है। वटे ही शेष भागा माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सु नीचे दर्ज होबा और हीट वेव सु राहत मिल सके है। लाडला 24 घंटा रे दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी माए 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करयो गयो। वटे ही श्रीगंगानगर माए 45.2, अलवर माए 44.8, कोटा माए 44.7 और राजधानी जयपुर माए 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज करयो गयो। खबरा माए टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद रे साथे सूपिया आपरो इस्तीफो। राष्ट्रपति स्वीकार करियो इस्तीफो। प्रधानमंत्री सुनो आ सरकार रा गठन ताई पद माथे बण्या रे बारो करे अनुरोध। लोकसभा चुनाव रा नतीजा आया पछे आज दिल्ली माए भरी है एनडीए री बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा रा वरिष्ठ नेता समेत एनडीए घटक दल रा प्रतिनिधि भैरिया है शामिल। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौका माते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करया पौधारोपण। एक पेड़ मारे नाम अभियान री की ना शुरुआत। विश्व पर्यावरण दिवस माते जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम भैरियो है आयोजित। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कया पर्यावरण संरक्षण महाकी सामूहिक जिम्मेदारी। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप माए आज भारत रो मुकाबलो आयरलैंड सु। भारत टूर्नामेंट माए करनो चावेलो विजय आगाज। इंद्र साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।